अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चांद मोबाइल से, आपसे इलियास राव। आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट टीवी बॉक्स को फ्लैश करना सीखेंगे। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। इसको हम CM2 डोंगल से फ्लैश करेंगे। उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस डिवाइस में CPU कौन सा है। जो भी डिवाइस आप फ्लैश करना चाहते हों, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि उसमें CPU कौन सा मौजूद है, और आपको उसके फर्मवेयर फाइल की भी थोड़ी बहुत मालूमात होना चाहिए। ये डिवाइस जो मेरे पास मौजूद है H96 मैक्स, इसमें 2-3 वर्जन आए थे, H1, H2 और एक H96 मैक्स। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इस जगह पे आप देख सकते हैं, OS एंड्रॉयड 7.1 और CPU इसमें है RK3328 और इसकी इंटरनल मेमोरी 32 GB है, RAM इसकी 4 GB है। जो फाइल हम इस पे फ्लैश करेंगे, इस फाइल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इसकी बूट की भी आपको मालूम होनी चाहिएगी, ऑडियो और वीडियो की। इसके अंदर एक की प्रेस होते हुए आपको मालूम होगी। इसकी बूट की AV पिन के अंदर, और इसके लिए फ्लैशिंग केबल जो है मेल टू मेल USB केबल की ज़रूरत होगी। इसके दोनों साइड्स पे मेल पॉइंट्स हैं। ये मेरी SPD की फ्लैशिंग वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उस वीडियो में ये केबल बनाने का तरीका भी मैंने पहले से बताया हुआ है। बूट की प्रेस करने के बाद USB केबल अटैच कर देंगे। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेंगे और फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करके उसमें रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे और कुछ देर वेट करेंगे। CM2 डोंगल लगाने के बाद RKT एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले डिवाइस की अटैचमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फ्लैशिंग की टैब में आके फर्मवेयर फाइल सिलेक्ट करेंगे। फर्मवेयर के फोल्डर में param.cfg फाइल सिलेक्ट करेंगे। इंटरनल डाटा सेफ रखने के लिए वाइप डाटा पे से चेक का निशान हटा देंगे। और लास्ट में फ्लैश अप्लाई कर देंगे। फ्लैशिंग मुकम्मल होने के बाद हम इसे LED पे लेके जाएंगे और इसे टेस्ट करेंगे। ये HDMI केबल, और ये पावर केबल, फर्स्ट टाइम बूट होने पे ये रिकवरी में चला गया है। इसको हम रीस्टार्ट पे ले आएंगे।
रिबूट सिस्टम ना हो। Not sign in. आने वाली वीडियोस में इसकी मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में और इसकी सेटिंग्स के बारे में हम बताएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।